अब मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके जो इंग्रेडिएंट है वो नोट डाउन कर लें। जीरा चाहिए 1 टेबलस्पून, सौंफ चाहिए 2 टेबलस्पून, साबुत धनिया चाहिए 1 टेबलस्पून, कलौंजी चाहिए 1 टेबलस्पून, राई दाना चाहिए 1 टेबलस्पून, मेथी दाना चाहिए 1 टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला लेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लेंगे, 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें लेंगे, 1 टीस्पून टाटरी लेंगे यानी सिट्रिक एसिड, 1 टेबलस्पून नमक लेंगे। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे, इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून टाटरी डाल देंगे यानी कि सिट्रिक एसिड। लाल मिर्च डाल देंगे, 1 टीस्पून हल्दी डाल देंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे, 1 टीस्पून मेथी दाना डाल देंगे, 1 टेबलस्पून कलौंजी डाल देंगे। इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। धनिया, राई दाना, सौंफ, जीरा, इन चारों चीजों को हम ग्राइंड कर लेंगे, फाइन पाउडर नहीं बनाना। 2 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून राई दाना, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा। इसको हमने धरधरा सा पीस लेना है, फाइन पाउडर नहीं बनाना। आसान अल्फाज में इनको हमने कूट लेना है, पीसना नहीं है। अब हम दोनों मिक्सचर्स को आपस में मिक्स कर देंगे। एक एयरटाइट कंटेनर ले लेंगे, इसे आप 4 वीक्स के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, गिव इट अ थम्स अप।